अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग ये देख रहे हैं कि पालक जो है ना फिर मैं डालने लगा हूँ। आज जो है 10 दिन के बाद जो है ना पालक इनको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक हफ्ते के बाद आपने पालक डालनी है, तो अभी जो है ना मैं 10 दिन बाद डाल रहा हूँ। वो भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे पालक डालनी चाहिए, ठीक है। और अब जो है ना मैंने इनको पालक डाल दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और भी बहुत कुछ। पूरा व्लॉग आपने देखना है। तो ये आ गए हमारे दूसरे पैरेट, जो कि दूसरे केज के अंदर बंद किया हुआ है मैंने। और ये देखें इन्होंने अपनी स्टिक का क्या हाल किया हुआ है। ये देखें यार, इसके पाँव पे चोट लग गई है कल रात से, तो वो अगर आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने जो है ना इनको भी पालक डाल दिए, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, मैं केज का दरवाज़ा खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये कितने शौक से जो है ना पालक खा रहे हैं। तो ये वाला जो है ना हम इसको साइड पर कर देते हैं। ओ भाई दरवाज़ा बंद करो, वरना तो यही ना बाहर निकल जाए। तो ये देखें, ये पालक को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पालक आपने एक हफ्ते में एक बार लाजमी पालक डालनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने बटेरों की तरफ। बटेरों को देख लें जी आप, बटेरे कितने एक्टिव हो चुके हैं या क्या हो चुके हैं। बटेरों ने अभी तक अंडे नहीं दिए, इनसे मैं ब्रीडिंग ले भी नहीं रहा। इनकी ब्रीडिंग अगर आपने लेनी है तो वो बहुत ही डिफरेंट तरीका होगा, मतलब इस तरीके से नहीं होगा। इस केज में आप लोग नहीं ले सकते इनसे ब्रीडिंग, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरा सांस मुझसे नहीं लिया जा रहा यार, इतनी तबीयत ख़राब है। बट मैंने कहा यार चलो जल्दी जल्दी व्लॉग बना देते हैं आपके लिए, क्या याद रखोगे आप लोग। तो यार बड़ी बात है, आज थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है और मेरी जो है ना तोती वो भी बाहर निकल ही आई है। अल्लाह का शुक्र है कि इसको भी थोड़ा होश आएगा बाहर आने का। तो हम लोग फ़ौरन दाना जल्दी जल्दी इसके डाल देते हैं ताकि जो है ना ये जल्दी जल्दी खा ले, वरना ये अपने जो है ना मटकी के से बाहर ही नहीं आती। मैं इतना इंतज़ार करता हूँ कब आएगी, बट ये बिल्कुल बाहर नहीं आती, तो ये ना अंदर ही घुसी रहती है। अभी भी देख रहे हैं आप लोग, ये अंदर घुस गई, इसलिए मैं फ़ौरन से जो है ना इसका दाना फ्रेश कर देता हूँ ताकि ये खा ले, फिर पता नहीं कब बाहर आएगी। तो ये देखें जी, बटेरों को हम लोगों ने दाना डाल दिया, पानी डाल दिया, फ्रेश कर दिया सारा कुछ। और सर्दी में यार बहुत ही मुश्किल काम होता है ये मेरे लिए, ठीक है। और हाँ यार, सबसे मुश्किल काम ये भी हो सकता है कि जब आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो और आपको व्लॉग बनाना हो और आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार आप लोग क्या करो, तो यार फिर मैं वो व्लॉग मैं बना तो लेता हूँ, बट उसको देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते आप। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर है मेरे व्लॉग के अंदर जो मेरा व्लॉग जैसा भी क्यों ना हो वो एंड तक व्लॉग लाजमी देखते हैं और मेरे व्लॉग को लाइक भी करते हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरा। बहुत ही कम टाइम में मैंने 1K सब्सक्राइबर किए हैं, ठीक है। वो भी सब आप लोगों की वजह से ऐसा हो सका कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। और ये देखें, पानी मैंने इनको रख दिया। पानी मैं जो है ना आजकल सर्दियों में मैं पानी इनको नीम गर्म करके दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होती है बट मैं इनके लिए करता ज़रूर हूँ ताकि जो है ना इनके कोई भी इश्यूज वगैरह जो है ना आ सके। ठंडा पानी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना। सुबह उठते सार ही आपने सबसे पहले एक काम ये करना है कि केज से आप लोगों ने पानी निकाल लेना है, ठीक है। और ये आ गया हमारा लकवे वाला कबूतर। यार इसका तो लकवा ठीक नहीं हो रहा यार, पहले थोड़ा ठीक हो गया था, मिड में फिर आके ख़राब हो गया। तो अब मैंने फ़ैसला कर लिया, या तो इसको ज़िबा कर दिया जाए, मतलब ठीक है, या तो मैं किसी को इसको दे दूँ, क्योंकि यार ये देख रहे हो आप लोग, इसको मैं सबके अंदर नहीं रख सकता, वरना सब में ये जो है ना मसला आ जाएगा, सब कबूतर ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे मेरे बाजी वाले कबूतर आप लोगों को पता ही है। तो ये देखें जी, बेचारी अकेली है और फिर भी खाती है पीती है, कोई टेंशन नहीं है भाई, अकेले कहती है लाइफ बेस्ट है। तो इसका पेयर भी हम लोग जल्दी ले आएंगे इंशाल्लाह। अभी इसको हम लोग दाना खाने देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि इतनी सर्दी है, बट फिर भी माशाल्लाह से जो है ना मेरे सारे परिंदे इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं और खा पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बिल्कुल सुकून मार रहे हैं। और इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना तंग कर रहा है, बस कह रहा है बाहर निकालो मुझे। काफ़ी टाइम से मैंने इसको इस केज के अंदर बंद किया, उसको बाहर ही नहीं निकाल रहा। मैंने कहा नहीं भाई तुम इधर ही रहो। तो अभी डाइजल का खाना हम लोगों ने डाइजल को नहीं दिया, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। खाना हम उसको देंगे, ठीक है, उसके लिए दूध होता है आपको पता है, तो इसलिए मुझे गर्म दूध हो तो फिर उसको मुझे ठंडा करने में वेट करना पड़ता है क्योंकि गर्म दूध नहीं देते। और ये आप लोग देख रहे हैं पालक किस तरीके से इन्होंने खा लिया, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है, पालक आपने लाजमी डालनी है, ठीक है। हफ्ते में एक बार जो है ना आपने पालक डालनी है। मैं आज 10 दिन के बाद पालक डाल रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि मैंने आज 10 दिन से बाद मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार अब हफ्ते में एक बार मैंने आपने डाल देनी अगर आपको जल्दी ब्रीडिंग चाहिए तो। अभी मुझे इस केज में से किसी से ब्रीडिंग नहीं चाहिए, बस मैंने वैसे ही पालक इनको डाल दिया। ठीक है, जैसे कि ये मेरा पेयर आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से, और जो है तोती वो भी मटकी के अंदर ही है। ठीक है, बाहर नहीं आ रही, तो पहले बाहर आई फिर वो चली गया, मतलब उसका यही चलता रहता है, हर टाइम अंदर ही अंदर अंदर रहती है, तो बहुत कम जो है ना बाहर आती। पालक हमने इनको डाल दिया, पता नहीं जब उनका दिल करेगा वो खा लेंगे, मतलब ये नहीं आप वेट करते रहो कि भाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, निकाल दो फ़ौरन से, नहीं ऐसा नहीं पड़ा रहे। ज़्यादा आपका दिल करे तो शाम में आप निकाल दो, उससे पहले नहीं। तो चलते हैं हम अपने कबूतरों की तरफ, कबूतरों के पास देखते हैं किस किस ने जो है ना बच्चे दे दिए हैं। ये अभी तक सब अंडों पर ही है, ये आप लोग बच्चे देख रहे हैं, ये देखें जी इसके पास 2 अंडे थे और अभी तक 2 ही अंडे हैं, बच्चे इसके अभी तक नहीं आए, इसके पास भी 2 अंडे हैं, इसके बच्चे भी नहीं निकले, और वहाँ पे भी कोई अपना केज बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, देखते हैं वहाँ पे कौन सा पेयर जो है अंडे देता है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ हुआ है कोई ना कोई तो जो है ना। और ये बच्चा आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बच्चा है, ठीक है। और ये देखें जी ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो भी छोटे हैं, और एक बच्चा जो है वो सामने जाके बैठा हुआ है, वो बड़ा हो गया, बड़ा भी चू 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 करता है क्योंकि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ। ये फुल कबूतर आप लोग देख रहे हैं। तो यार ये देखो, ये इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, आज थोड़ा सा सूरज हमें नज़र आ गया, तो सूरज को भी थोड़ा सा दिखा लेते हैं यार इतने दिन बाद। और ये जो ना नहाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जो है ना मैं यहाँ के इसके दरमियान पे एक ईंट रख देता हूँ ताकि जो है ना इसके अंदर घुस ना सके, वरना यार भाई इतना नहाते हैं सर्दियों में भी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब फुल नहाना है भाई, नहाना है तुम लोगों ने। अभी तक देखो यार बच्चे जो है ना इतने छोटे थे। तो ये आ गई मेरी प्यारी प्यारी सी मुर्गी है जिनको हमने इतना कुछ डाल दिया, भाई देखो क्या क्या डाल दिया। और इस मुर्गी की मुझे कंडीशन थोड़ी सी फिर से नाजुक लग रही है, देख रहे हैं आप लोग कैसे डाउन होके बैठी हुई है, तो भाई इसको क्या हो गया ये समझ नहीं आ रही। हालांकि मैं इनको इतनी मेडिसिन दे रहा हूँ फिर भी डाइजल हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, शोर तो आप लोगों को आ ही होगा। अभी हम डाइजल को भी खाना देते हैं, डाइजल का खाना जो है ना हाथ में, ये देखें डाइजल का खाना जो है ना तैयार है, डाइजल को हम फौरन से खाना देते ताकि उसे उसकी भूख थोड़ी कम हो जाए यार। तो ये देखो यार डाइजल के पास हम लोग पहुंच गए, और डाइजल साहब देखो कैसे हमें कह रहा है कि मेरा दरवाज़ा खोल दो भाई, मुझे इस हिसाब से निकालो, मैंने बाहर आना चाहता हूँ भाई। अच्छा 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 ठीक है यार, ये लो हम इसे फ़ौरन से बाहर निकाल देते हैं ताकि जो है ना डाइजल थोड़ा सा खुश हो जाए, और हम इसे खाना भी देते हैं ताकि ये खाना खा ले। किधर गए डाइजल? तो ये ना जो है ना पागल हो जाता है, जब भी मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ तो हम इसको खाना दे देते। तो ये रहा डाइजल का खाना, गर्मा गर्म मज़ेदार खाना, ये लो डाइजल अपना खाना खाओ। और भाई बहुत ही गंदी आदत है इसकी, ये अपना पाँव अंदर घुसा लेते आते सारी खाने के अंदर, और ये देखें अब ये पाँव नीचे नहीं लगा पा रहा। तो अभी डाइजल को हम लोग खाना खाने देते हैं, और ये जब भड़ा हो जाएगा ना तो शायद मैं खाना खाते हुए इसके पास इतना ना बैठूँ, क्योंकि जो भी जानवर होते हैं वो खाते वक्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा लग रहा था और उन्हें ये लग रहा था कि हमसे ये छीन ना ले तो वो आपको काट भी सकता है। अभी तो छोटा इसके पास मैं बैठ जाता हूँ, और शायद तब मैं बैठूँ। डाइजल से देखो, हाँ थोड़ा डाइजल को हम लोग दिखा देते हैं, डाइजल को हम लोग ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि डाइजल की एक तो उसके नाम की इसको पहचान हो जाए, और जो है ना हमारी बात भी सुन लिया करें। और ये मुर्गियों में आप लोग देख रहे हैं, इस मुर्गी की कंडीशन तो बहुत ही नाजुक चल रही है, इसकी कंडीशन नाजुक है, तो इसको हम इसके हाल पे छोड़ देते हैं। और बाकी मुर्गियाँ आप लोग देख रहे हैं कितनी एक्टिव है सर्दियों में भी, कितनी माशाल्लाह से। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट लाजमी करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।